दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर खींचिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 मुकाबले जीत के बाद भी भारतीय टीम को मिली खुली धमकी। अब कनाडा की कप्तान साद बिन जफर ने भारत की बेइज्जती करते हुए कुछ ऐसे शब्द कहकर धमकी दी जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से से आग बबूला हो गया। तो फिर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए विराट कोहली सामने आए और फिर अपने तीखे शब्दों से ऐसी बातें कह दी कि पूरे कनाडा में मातम फैल गया था। तो आखिर क्यों घिनौनी हरकतों पर उतर आए कनाडा के कप्तान साद बिन जफर? ऐसा क्या अपनी धमकी में कह दिया कि विराट कोहली गुस्से से लाल पीला हो गए? मैच से पहले हुई इन दोनों के बीच जुबानी जंग हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने शानदार आगाज किया। पहले आयरलैंड, फिर पाकिस्तान और अब अमेरिका को करारी धूल चटाकर लगातार 3 जीत अपने नाम कर ली। भारतीय टीम का हौसला पूरी तरीके से बुलंद है, सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन रोहित कोहली का बल्ला अभी भी कुछ खास अंदाज में नहीं दाड़ रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इन दोनों खिलाड़ियों का चलना टीम के लिए काफी जरूरी है। अगर ये दोनों खिलाड़ी सेट हो जाएंगे तो किसी भी हाल में भारतीय टीम को इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला देंगे। लेकिन अब हम आपको बता दें, भारतीय टीम के सामने एक और सबसे बड़ी चुनौती है। भारत का अंतिम लीग मैच 15 जून को कनाडा के साथ खेला जाना है। भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला भी जीतना आसान होगा क्योंकि सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन वहीं भारत की सबसे बड़ी चुनौती 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली है। ये सुपर हिट का अंतिम मुकाबला होने वाला है। भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये वही टीम है जिसने हमें हमारे ही घर में 2023 विश्व कप में करारी धूल चटाकर विश्व चैंपियन बनी थी। टीम इंडिया के पास एक अच्छा सुनहरा मौका होगा इस हार का बदला लेने का और कप्तान रोहित शर्मा इसी इरादे से मैदान पर उतरेंगे। लेकिन मैच से पहले ही कनाडा के कप्तान घमंड में आकर साद बिन जफर भारत को खुली धमकी देते हुए बेइज्जती कर दिए। इसके बाद तो उनका बयान पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा के कप्तान का बयान सुनकर भारतीय टीम का सपोर्ट करते हुए विराट कोहली सामने आए। कोहली ने फिर अपने तीखे शब्दों से कनाडा के कप्तान साद बिन जफर की बोलती बंद कर दी, बल्कि पूरे टीम में मातम फैला दिया था। इतना ही नहीं, कोहली का बयान सुनकर तो पूरी टीम थर थर कांपने लगी। तो चलिए हम आपको इन दोनों के बीच हुई जुबानी जंग का पूरा वीडियो दिखाते हैं, कैसे कोहली ने पूरे कनाडा टीम में उथल पुथल मचा के रख दिया है और क्या कुछ कनाडा के कप्तान ने भारत को धमकी देते हुए कहा था। जी हाँ, कनाडा के कप्तान साद बिन जफर ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि इस बार हमारी टीम काफी मजबूत है, हमने जी जान लगाकर यहाँ तक का सफर तय किया है, हमारा अगला मुकाबला भारत के साथ है, लेकिन हमारा हौसला पूरी तरीके से बुलंद है, भारत हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम भारत को चींटी की तरह मसल के रख देंगे। वैसे भी वो काफी कमजोर टीम नजर आ रही है, हमारे गेंदबाज शानदार फॉर्म में है, बल्लेबाजों की तो बात ही ना करें, ये मुकाबला हम किसी भी हाल में जीत के रहेंगे। इतना ही नहीं, हम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी अपने नाम करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वैसे भी मुझे भारत की टीम काफी कमजोर नजर आ रही है, उनका कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, हमारे लिए ये मुकाबला जीतना काफी आसान है। तो वहीं साद बिन जफर के अजीबोगरीब बयान को सुनकर विराट ने जवाब देते हुए कहा कि वाह क्या बात है, अब पाकिस्तान के बाद कनाडा के भी मुंह खुलने शुरू हो गए हैं, बैट क्या पकड़ना सीख लिया कि चैंपियन बनने का ख्वाब देखने लगे, वो तो वक्त बताएगा कौन किस पर हावी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमें पाकिस्तान मत समझना, हम भिगो भिगो कर मारते हैं, इस बार की वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारी है, किसी भी हाल में हम जीत के रहेंगे, हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पाते, अकेले वो कनाडा को तहस नहस कर देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम आपको ऐसा हार चखाएंगे कि आप 7 जन्मों तक उसे भूल नहीं पाएंगे। वैसे दोस्तों, विराट कोहली ने कनाडा के कप्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी थी। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कनाडा के साथ खिलाफ अभ्यास मैच में रोहित शर्मा के साथ मिलकर ऋषभ पंत और रिंकू सिंह ने कनाडा गेंदबाजों को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे इन तीनों सुपरस्टार खिलाड़ियों के सामने थरथराती कांपती नजर आई कनाडा की टीम? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के और किसने बनाए कितने रन? कैसे रोहित शर्मा ने तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? भारत को दिलाई अभ्यास मैच में कभी न भूलने वाली जीत? इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी और भारत की जीत हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम अब कनाडा के साथ अभ्यास मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले कनाडा को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन रोहित शर्मा के लिए फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि कनाडा के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 20 ओवर में 193 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। कनाडा की तरफ से निकोलस किर्तन ने
सबसे अधिक 79 रनों की पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा करते हुए भारत के सामने कभी न हासिल करने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा का साथ किसी भी बल्लेबाज ने नहीं दिया। विराट कोहली एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जायसवाल भी अपना विकेट खो बैठे। 32 रनों के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और पूरी जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा ऋषभ पंत के कंधों पर आ गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन अंदाज में टीम को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। कनाडा के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और जुनैद सिद्दीकी से लेकर साद बिन जफ यहां तक कि कलीम साना हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कलीम साना के ओवर में रोहित शर्मा ने एक दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक की साझेदारी बना ली। वहीं रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी केवल 20 गेंद में ठोक दिया। भारतीय टीम की पारी संभाल चुके ऋषभ पंत भी अपने अर्धशतक के करीब जा चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 105 रन तक पहुंच चुका था। जुनैद सिद्दीकी की गेंद पर ऋषभ पंत ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया और टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी कलीम साना ने ऋषभ पंत को पवेलिंग का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 125 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। ऋषभ पंत 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह आ चुके थे। आते ही रिंकू ने साद बिन जफर की गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं रोहित शर्मा घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया और रिंकू सिंह का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार के रन बना रहे थे, बेहतरीन अंदाज में टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा रहे थे और देखते ही देखते रिंकू सिंह ने केवल 14 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था और भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 40 रनों की जरूरत थी। अभी भी मैदान पर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह टिके हुए थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। हर किसी की निगाहें इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर थी। टीम के लिए 19 ओवर लेकर आए जुनैद सिद्दीकी के ओवर में रिंकू सिंह ने अकेले ही 22 रन ठोक दिए। अब टीम इंडिया को एक ओवर में जीत के लिए 6 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। हर किसी की सांसें थम चुकी थी और हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। कनाडा की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जेरेमी गोल्डन स्ट्राइक पर मौजूद थे। रोहित शर्मा जेरेमी गोल्डन की पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और भारतीय टीम की जीत आसान हो चुकी थी। 4 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन जेरेमी गोल्डन की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक भी रन नहीं बना पाए। मैच पूरी तरह से फंस चुका था और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी। वहीं जेरेमी गोल्डन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा एक रन बटोर लिए और रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर भेज दिया। अब 2 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। जेरेमी गोल्डन की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और टीम को जीत के लिए 1 गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। हर किसी की निगाहें रिंकू सिंह पर टिकी हुई थी। वहीं रिंकू सिंह अलग अंदाज में दिख रहे थे। जेरेमी गोल्डन की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया को कनाडा के खिलाफ अभ्यास मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी। रोहित और रिंकू की बैटिंग देखकर हर किसी की आंखें फटी फटी रह गई। रिंकू सिंह 66 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं रोहित शर्मा भी 85 रन बनाकर नॉट आउट थे। कनाडा के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत में शानदार जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह ने कनाडा के खिलाफ तांडव मचाकर टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया के टॉप 8 में पहुंचने के बाद भी सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान की बढ़ाई है टेंशन। अब विश्व चैंपियन की भविष्यवाणी करते हुए दिया है ऐसा बयान कि छूट चुके हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने। सानिया के बयान ने मचा दी है सनसनी। तो आखिर सानिया मिर्जा ने भारत नहीं बल्कि किस टीम को बताया है वर्ल्ड कप का चैंपियन? सानिया की भविष्यवाणी क्यों सोशल मीडिया पर हो रही है तेजी से वायरल? भविष्यवाणी करते हुए भारत के लिए क्या कुछ कहा सानिया मिर्जा ने, यह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिता पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले आयरलैंड, फिर पाकिस्तान और अब अमेरिका को करारी धूल चटाकर अपने ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर मौजूद है।